युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? खेती? खेती नहीं, ऑर्गेनिक खेती, दोनों में अंतर है। मैंने देखा है आजकल बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना सब कुछ छोड़कर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा बिजनेस है और मुझे यकीन है मैं भी कर सकता हूँ और इसे एक अच्छा स्टार्टअप बना सकता हूँ। हाँ, ये सब पता है मुझे, पर तू ये बता, तुझे खेती करनी आती भी है? आती तो नहीं, पर हाँ सीख जाऊंगा। वो कैसे? यार आजकल यूट्यूब सब सिखा देता है, लाइव सेशन भी होते हैं, और वैसे भी इंटरनेट सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करने के लिए नहीं है, समझा? चल ये भी ठीक है, पर तू खेती करेगा कहाँ? तेरे पास जमीन भी है खेती करने के लिए? अभिमन्यु तू अंधा है क्या? तूने ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर जो 2 हेक्टेयर जमीन खाली है वो नहीं देखी क्या? बेटा वो जमीन नहीं, कब्रिस्तान है। तू शायद भूल रहा है, तेरी ये ग्रेवयार्ड कोठी कब्रिस्तान के ऊपर बनी है। तू कब्रिस्तान के ऊपर खेती करना चाहता है? यार अभिमन्यु तू कैसी बातें कर रहा है, कोई 2 हेक्टेयर में कब्रिस्तान बनाता है क्या? हो सकता है बस ये कोठी कब्रिस्तान के ऊपर बनी हो, बाकी जगह ठीक हो। और एक बात बता, तू मेरा दोस्त है ना, तो तुझे तो मुझे मोटिवेट करना चाहिए खेती करने के लिए कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और देश की तरक्की भी होगी। तू मुझे इतना डीमोटिवेट क्यों कर रहा है? अभिमन्यु को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो कहता है, सॉरी यार मैं भूल गया था कि इंसान को नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने के काबिल बनना चाहिए। तेरे इस काम में मैं पूरी तरह तेरे साथ हूँ, बस तू एक आवाज लगाना कि क्या मदद चाहिए तुझे और मैं झट से हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया यार, जब तेरे जैसा दोस्त मेरे साथ है तो कोई भी चुनौती मुझे रोक नहीं सकती। तो फिर काम शुरू करें। कैसा काम? युग अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, यार तू फिर भूल गया, कल रात में मैंने कहा था ना कि सुबह उठते से ही पहला काम ये करेंगे कि हवेली की सफाई करेंगे। दिख नहीं रहा कितनी धूल है यहाँ पर? हाँ यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर तू खुद देख कितनी बड़ी हवेली है, अगर हम दोनों 2 दिनों तक भी लगातार सफाई करते रहे तब भी पूरी धूल साफ नहीं होने वाली। तो फिर क्या करें? तू चाहता है ऐसे ही धूल रहने दे, सफाई ना करें? अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तेरा? मेरा मतलब था किसी को मदद के लिए बुला लेते हैं, 2-3 लोग रहेंगे तो जल्दी हो जाएगी सफाई। किसको बुलाएंगे? कौन आना चाहेगा ग्रेवयार्ड कोठी में? यार तू भूल रहा है, अपने पुराने यार अभी भी इसी गाँव में है, मैं उसे फोन करता हूँ। उसे? किसे? कछुए को यार, युग कुछ याद करते हुए कहता है, ये तू वही कछुए की बात तो नहीं कर रहा जिसका असली नाम कछेंद्र था और वो सब काम धीरे धीरे करता था इसीलिए हमने उसका नाम कछुआ रख दिया था? हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्या ये अभी भी स्लो है बचपन की तरह? जब तू मिलेगा तो खुद देख लेना। इतना कहकर अभिमन्यु अपना मोबाइल निकालता है और कछुए को फोन करने लग जाता है। अभिमन्यु फोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ कछुए कहाँ पर है तू? फोन के अंदर से कछुए की आवाज आती है, वो अभिमन्यु मैं किश्नोई नदी पर हूँ। तू सुबह सुबह किश्नोई नदी पर क्या कर रहा है? तेरे घर में शौचालय नहीं बनाए क्या जो सुबह सुबह हल्का होने नदी पर चला गया? यार अभिमन्यु देख, अभी ना मैं तेरे साथ मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। यार तेरा दिमाग सुबह सुबह इतना गर्म क्यों है? क्या हुआ? यार यहाँ पर किश्नोई नदी में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या कहा? किश्नोई नदी में कांड हो गया? पर क्या? यार तू खुद आकर देख ले, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। इतना कहकर दूसरे साइड से फोन कट हो जाता है। अभिमन्यु बात करते हुए कहता है, हेलो। अरे हेलो क्या हुआ ये तो बता दे। जैसे ही फोन कट होता है युग अभिमन्यु से पूछता है, क्या हुआ तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? यार किश्नोई नदी पर एक कांड हो गया है। कांड हो गया है पर क्या? पता नहीं यार पर मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है पर क्यों? क्योंकि यार कल रात अपन दोनों ही किश्नोई नदी पर थे, कहीं हम दोनों के जाने के बाद यक्षिणी ने किसी को अपना शिकार तो नहीं बना लिया? युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु तू फिर शुरू हो गया, तेरी कहानी यक्षिणी पर ही शुरू और यक्षिणी पर ही खत्म क्यों होती है? ये भी तो हो सकता है कि नदी पर कुछ और हुआ हो। यार युग तो फिर तू ही बता वहां पर क्या हुआ होगा, वो तो अब वहीं पर जाकर पता चलेगा। चल फिर। युग और अभिमन्यु किश्नोई नदी जाने के लिए निकलने लगते हैं। वो दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि तभी अभिमन्यु की नजर दरवाजे के बगल में रखी 2 काली छतरी पर पड़ती है। अभिमन्यु युग से कहता है, एक काम कर युग, ये छतरी भी रख ले। छतरी? पर क्यों? मैंने खिड़की से बाहर देखा था, मौसम खुला हुआ है, मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी। यार मैंने जितना कहा तू बस अभी उतना ही कर,
कोई सवाल मत कर, समझा? हाँ ठीक है। अभिमन्यु के कहने पर युग छतरी पकड़ लेता है और वो दोनों किश्नोई नदी जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों किश्नोई नदी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नदी पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। ऐसा लग रहा था कि सारे गांव के लोग वहीं पर इकट्ठे हो गए थे। भीड़ में अभिमन्यु कछुए को ढूंढने लग जाता है। अभिमन्यु अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार इतनी भीड़ में कछुए को कैसे ढूंढूं? एक तो उसकी छोटी सी हाइट, ऊपर से दुबला पतला, पता नहीं कहां पर फंसकर बैठा होगा इस भीड़ में। युग भी अपना सिर खुजाते हुए कहता है, तू ये सोच रहा है कि कछुए को कैसे ढूंढे और मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी सारी भीड़ आखिर जमा क्यों हुई है। जितना मुझे लगता है गांव के मेले में भी इतनी सारी भीड़ जमा नहीं होती होगी। हाँ सही कहा, मैं भी जब से गांव में आया हूँ पहली बार इतने लोगों को एक साथ देख रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चल थोड़ा पास चलकर देखते हैं कि हुआ क्या है, शायद कुछ पता चल जाए। युग और अभिमन्यु भीड़ के अंदर घुसने लग जाते हैं। वो दोनों अभी एक दो कदम चले ही थे कि उन्हें कछुआ दिख जाता है। अभिमन्यु युग से कहता है, यार वो देख कछुआ। कहाँ पर यार? अभिमन्यु अपने राइट हैंड से सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है, अरे वो देखना सामने। कहाँ यार, मुझे तो नहीं दिख रहा, तुझे कहाँ दिख गया? अभिमन्यु कछुए को आवाज लगाते हुए कहता है, कछुए ओ कछुए। अभिमन्यु से करीब 20-25 कदम दूर पर ही एक दुबला पतला लड़का खड़ा हुआ था जो काली बनियान पहना हुआ था, रंग काला, छोटे छोटे बाल। वो लड़का अभिमन्यु को देख लेता है और धीरे धीरे कहता है, अरे अभिमन्यु तू आ गया? अभिमन्यु कछुए को बुलाते हुए कहता है, हाँ आ गया, जरा यहाँ पर तो आ। कछुआ धीरे धीरे भीड़ को हटाते हुए अभिमन्यु के पास जाने लगता है। कछुआ इतना धीरे चल रहा था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो करीब आधे घंटे में अभिमन्यु के पास पहुंचेगा। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, यार ये तो अभी तक बचपन की तरह स्लो ही है। एक काम करते हैं, हम ही चलते हैं इसके पास, वरना ये तो कल तक यहाँ पर पहुँचेगा। हाँ चल। युग और अभिमन्यु कछुए के पास चले जाते हैं। कछुआ युग को घूरते हुए कहता है, ये किसे ले आया अपने साथ, ये कौन है? कछुए के सवाल का युग कुछ जवाब देता उसके पहले ही अभिमन्यु बोलता है, अरे इसको नहीं पहचाना, ये अपना युग है, अपने बचपन का दोस्त। भूल गया, यही तो तुझे टीचर से मार खाने से बचाता था। कछुआ कुछ याद करते हुए कहता है, अच्छा ये युग है, ये कब आया? अभिमन्यु कछुए की बात को काटते हुए कहता है, ये सब मैं बाद में बताता हूँ तुझे, पहले मुझे तू ये बता यहाँ पर क्या हुआ है, इतनी सारी भीड़ क्यों जमा है? कछुआ अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यार मैं नहीं बता सकता क्योंकि तुझे पता है मेरा दिल बहुत कमजोर है, तू खुद चलकर देख ले कि क्या हुआ है। कछुआ युग और अभिमन्यु का हाथ पकड़ता है और भीड़ को साइड हटाते हुए उन्हें नदी के किनारे पर ले जाने लगता है। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर युग और अभिमन्यु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नदी के किनारे पर करीब 30-40 कौवे मरे पड़े थे। युग हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, इतने सारे कौवों की मौत कैसे हो गई? अभिमन्यु कौवों को देखकर इतना परेशान हो गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। कछुआ मरे हुए कौवों को देखते हुए कहता है, वही तो युग, तुझे पता है कुछ सालों से हमारे गांव में एक भी कौवे नजर नहीं आ रहे थे और आज दिखे भी तो वो भी इतने सारे, वो भी ऐसी हालत में मरे हुए। उन तीनों के पास कुछ 6 आदमी खड़े हुए थे जो आपस में बातें कर रहे थे। पहला आदमी कहता है, उन्हीं आओ दे छिन, उसने संकेत करे कोच, मृत्यु के खेल शुरू भय कोच। दूसरा आदमी कहता है, तपाई सही हुनु, हुंच उन्हीं आओ दे छिन, ये मृत्यु के पहलो चिन्ह हुनु छुन। युग हैरानी के साथ कहता है, ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये लोग आपस में नेपाली में बात कर रहे हैं, तुझे तो पता है हमारे मेघालय में नेपाली, बंगाली, खासी, असमिया, सिलेहटी, बोडो, बियाट, रार और हजोंग भाषाएं बोली जाती हैं। युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार मैंने तुझसे मेघालय की भाषा का इतिहास नहीं पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आदमी आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तुझे पता है ना मुझे नेपाली नहीं आती। हाँ बता रहा हूँ, चिढ़ क्यों रहा है? ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि वो आने वाली है, उसने संकेत दे दिया है, मौत का खेल शुरू हो गया है, ये मौत का पहला संकेत है। युग हैरानी के साथ कहता है, ये लोग किसकी बातें कर रहे हैं, कौन आने वाली है और उसने क्या संकेत दिया है? कछुआ धीरे से कहता है, यक्षिणी, युग यक्षिणी आने वाली है, ये उसी ने मौत का संकेत दिया है। युग कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार मुझे लग रहा है ये सब हमारे कारण हो रहा है। हमारे कारण? पर कैसे?
यार देख, कल रात ही हम दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला और फिर सुबह होते ही इतने सारे कौओं का मरना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? तुम दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला, पर क्यों? तुम्हें पता नहीं है क्या, ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, तब मर्दों को अपना शिकार बनाएगी। युग कछुए को समझाते हुए कहता है, यार कछुए ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ ये कौवे कैसे मरे। कल रात ना ये अभिमन्यु अपने साथ एक डिवाइस लाया था, उसमें से आवाजें आ रही थी। हो सकता है कि वही आवाजें वो सह नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। तुझे तो पता ही होगा कि इन पक्षियों पर मोबाइल की वेव का कितना असर पड़ता है। अभिमन्यु कहता है, यार युग अब तू सारा इल्जाम मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के ऊपर मत लगा, समझा? चल तेरे लिए मैं मान भी लेता हूँ कि ये कौवे मेरे डिवाइस की आवाज से मरे, पर तू बता सिर्फ कौवे ही क्यों मरे? और कोई पशु पक्षी भी तो मर सकते थे। जरा गौर से देख, यहाँ पर जितने भी शव हैं सब कौओं के हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर युग चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसके सवाल का कुछ जवाब नहीं था। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, ये संकेत है युग मौत के आने के पहले का। तुझे कौओं के बारे में नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? यही कि हमारे हिंदू शास्त्रों में कौवे को यमराज का दूत कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि कौवा यमलोक में जाकर पृथ्वीवासियों के विषय में चित्रगुप्त जी को सूचित करता है, यानी कौवा ही व्यक्ति के जिंदगी में किए गए लेखे जोखे का हिसाब रखता है। परंतु शगुन शास्त्र के अनुसार कौवा मात्र यमलोक में ही नहीं, बल्कि हम इंसानों को भी धरती पर संकेत देकर आने वाले कल की भविष्यवाणी करता है। और इतने सारे कौओं की मौत संकेत है कि जल्द गांव में बहुत सी मौत होने वाली है। कछुआ भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग, ये अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कहता है। मेरी दादी बताती है कि पुराने समय में ये परंपरा थी कि अगर किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए और चोंच मार दे तो जरूर कुछ बुरा होने वाला होता है। आने वाली मुसीबत से बचने के लिए वो इंसान अपने रिश्तेदार को झूठा पत्र लिखकर अपनी मौत की जानकारी देता था। क्या? पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मौत की झूठी खबर सुनकर उसके परिजन उसकी मौत का शोक करते थे, और फिर उसी दिन दूसरा पत्र भेजा जाता था कि ये एक झूठी खबर थी। लिखते थे कि उसके सिर पर कौवा बैठ गया था। मान्यता है कि झूठी खबर उड़ाने से कौवे द्वारा लाया गया संकट दूर हो जाता है। युग अभिमन्यु और कछुए की बात को नकारते हुए कहता है, अगर तुम दोनों को ये सब पता है तो क्या ये नहीं पता कि काग भुशुंडी जी श्री राम के परम भक्त थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। आज के जमाने में कौओं को काग भुशुंडी का ही प्रतिरूप माना जाता है। माना ये मान्यता है कि यदि कौवा किसी के सिर पर बैठकर चोंच मार दे तो अशुभ होता है, पर यह भी मान्यता है कि कौवा सिर्फ आपके सिर पर बैठे तो परम शुभ होता है। अब तुम दोनों ही बताओ, हम कैसे पता लगाएं कि कौवा हमारे सिर पर सिर्फ बैठा था या उसने चोंच मारी होगी? अभिमन्यु और कछुआ चुप ही रहते हैं। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, देखो यार, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता है। किसी के धर्म में कौओं का दिखना शुभ माना जाता है तो किसी में अशुभ, और किसी धर्म में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये सब चीजें मानते ही नहीं है, और मैं भी नहीं मानता। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं, समझे तुम दोनों? कछुआ डरते हुए कहता है, यार तुझे नहीं मानना तो मत मान, पर तुम दोनों ने ठीक नहीं किया ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलकर। तुझे पता भी है ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा बंद करने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी थी? युग चौंकते हुए कहता है, क्या कहा? दरवाजा बंद करने के लिए लोगों ने जान दी थी, पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।